मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। स्वागत है, मैं मनोज। और बता दें, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नई नई उपलब्धियां दरभंगा में हासिल हो रही है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने का सबसे बड़ा अहम जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है किसी की जान बचाना या किसी के घर में खुशहाली लाना, और ये चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने पर ही होता है और हम लगातार आपको अवेयर भी करेंगे। हम बता दें कि दरभंगा में आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार कई संस्थानों ने कार्य किया, जिसमें रोज दी मेडिसिटी IVF सेंटर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम बता दें कि डॉक्टर मृदु शुक्ला ने जिस कंसेप्ट से दरभंगा में इसको लॉन्च किया वो देख के आपको लगेगा कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं। हमारे साथ डॉक्टर भरत कुमार जी हैं, भरत प्रसाद जी हैं, जो लगातार 20 वर्ष से यहाँ पर, मतलब रिटायरमेंट के बाद लगातार इसमें नई उपलब्धियाँ अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। और कहा जाता है किसी संस्थान में अगर अनुभवी व्यक्ति अपना योगदान देता हो तो उस संस्थान में सूक्ष्मतम चीज पर भी ध्यान देकर के मरीजों के हित के लिए कार्य कर सकता है। डॉक्टर भरत प्रसाद लगातार रोज मेडिसिटी में कार्य कर रहे हैं और वो अपने अनुभव से लगातार अपने योगदान। इसमें यही है कि हम लोगों ने इसको अभी तैयार किया है, अब रजिस्ट्रेशन, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पहले काउंसलिंग करके पेशेंट सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, किस पेशेंट में हम लोग IVF और ET कर सकते हैं उसको करते हैं। ये काम शुरू हो गया है और इसको हम लोग कर रहे हैं, और कुछ दिन 15-20 दिन के बाद से हम लोग IVF ET स्टार्ट कर रहे हैं। खास तो बता दें, किसी के घर में अगर चिराग आता है तो सबसे बड़ा खुशहाली का दिन होता है और वो पूरे मोहल्ले या जिले में उसका नाम होता है कि चलो बहुत दिन से जो कलंक होती है एक महिलाओं के ऊपर, एक कलंक होता है उसको जीवन देने का कार्य करते हैं। तो निसंतान महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। आर्ट मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जब से आया है, ये समझिए हम लोगों के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए, स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिए एक चैलेंज था, जिस चैलेंज को हम लोगों ने मीट किया है। और अभी आज के डेट में इस टेक्निक से हम लोग मोर देन 35% निसंतान महिलाओं का गोद भर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहाँ जीरो था और 35% हो रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्या टेक्नोलॉजी? कई ऐसे को कहा जाता है कि कई ऐसे महिलाएं हैं जिसको कई समस्या कुछ और कारणों से भी होता है, तो इस कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको हल किया जा सकता है? जैसे बहुत सारी महिलाएं, जैसे हम लोगों का नियम है कि अगर दोनों वयस्क हैं, एडल्ट हैं, अब शादी हो गया, 1 साल साथ रह रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर का कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, किसी तरह का कोई कंट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे हैं, और उस कंडीशन में उनको 1 साल तक अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उनका इन्वेस्टिगेशन मस्ट है। तो उसमें हम लोग दोनों पार्टनर का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहले मेल का करते हैं, उसके बाद फीमेल का करते हैं, देखते हैं कि मेल में एक ही चीज़ है, हम लोग स्पर्म एनालिसिस करते हैं, मेल में तो एक ही चीज़ है कि उसका स्पर्म है कि नहीं, कितना परसेंट स्पर्म है, कितना जिंदा है, किस तरह का मोटिलिटी है, मार्फोलॉजी क्या है, उसका मैंने आकार कैसा है, नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, अगर ठीक है उसके बाद फीमेल को इन्वेस्टिगेट करते हैं। फीमेल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पहले देखते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वेल डेवलप्ड है कि नहीं, इसको मेंस्ट्रुएशन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, टाइमली हो रहा है कि नहीं, मेंस में पेन होता है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर सब ठीक है उसके बाद फिर तब हम लोग कुछ ऐसा प्रोसीजर है जिसका हम लोग जांच करते हैं, जैसे देखते हैं कि इसका हार्मोन लेवल और इसका ओवरी का कंडीशन, उसमें सिस्ट है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, एक चीज, रोज मेडिसिटी में आधुनिक कहा जाता है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो आधुनिक है, और जिस संस्थान में आधुनिक मशीन उपलब्ध होते हैं वो सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, तो यहाँ और सब जगह जो IVF सेंटर चल रहे हैं और इसमें क्या अंतर है? IVF सेंटर के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे मैंने इसके स्पेशलिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है वो चीज़ दुरुस्त होना चाहिए और ठीक होना चाहिए, और सबका काम अलग अलग बटा हुआ है।
इसके लिए पहले सबसे पहले हम लोग पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देख लिया पेशेंट हमारी सेलेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन करके देख लिया फर्टिलिटी है उसमें, एक टेस्ट है जिसे एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि ये पेशेंट में फर्टिलिटी का लेवल क्या है। तो उसे पेशेंट सबको सिलेक्ट करके हम लोग करते हैं और करने के बाद उसको सबसे पहले इंडक्शन और कोवुलेशन, उसको कीड़ा बनने के लिए एक दवाई देते हैं। ऐसे तो कीड़ा बन ही रहा है, उसको दवा देते हैं ओवर क्योर होने के लिए। हम लोग का एक दवाई आता है क्लोमिफेनसाइक्लेट है, लेट्रोडल है, वो डे 3 महीना के तीसरा दिन से डे 7 सातवां दिन तक 5 गोली देते हैं एक एक गोली रोज करके, और बाकी चार दिन के बाद से उसको मॉनिटरिंग करते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, और हम लोग सर अल्ट्रासाउंड से देखते हैं फॉलिकल कैसे कैसे बढ़ रहा है। जैसे फॉलिकल का साइज 16 से 18 एमएम हो जाता है, 18 एमएम या उससे देखिए, तब हम लोग समझ जाते हैं मैच्योर कर गया। तो मैच्योर कर गया तो उसके बाद हम लोग ओवम पिकअप का व्यवस्था करते हैं, ओवम पिकअप करते हैं। ओवम पिकअप का प्रोसीजर है जिससे हम लोग नीचे से ऊपर वेजाइना, नीचे से बच्चादानी के थ्रू जा करके वेजाइना के थ्रू जा करके हम लोग प्रिक करके, और वहाँ ओवरी में कीड़ा बनता है, दोनों ओवरी में, दो ओवरी होता है फीमेल में, उन दोनों में कीड़ा बनता है उनका, जहाँ फॉलिकल बना रहता है उसको हम लोग निर्जी से प्रिक करके और सक करके खींचते हैं, खींच के उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब कीड़ा मिल जाता है तो प्रोसेस को बंद कर देते हैं और उस कीड़ा को पैथोलॉजिस्ट में रखते हैं। उसके बाद में मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर का कीड़ा हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो वो मेल पार्टनर का कीड़ा अच्छा से कलेक्ट करने के लिए मास्टरबेशन के मेथड जो है, तो एसेस मेथड है, बेस्ट मेथड है, हो गया। अगर हस्बैंड एजोस्पर्मिक है, उसको कीड़ा नहीं है, तो हम लोग डोनर सीजन से भी काम करते हैं। सक्सेस रेट कितना है? क्योंकि सक्सेस रेट आज के डेट में 35%, मोर देन 35% एंड बिलो 40%। दिस इज मैंने ये चमत्कार है, जहाँ ना है, जहाँ गोद खाली रह जाता था जिंदगी भर, इतनी महिलाओं का सैकड़े 35 महिलाओं का गोद भरा जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम बता दें, खासकर रोज की मेडिसिटी ने नई उपलब्धि हासिल किया, खासकर मिथिलांचल के गरीब से गरीब क्षेत्रों में, गांव में जिस महिला के घर में बच्चा नहीं है, कलंक निसंतान के रूप में उसे देख करके न परिवार में प्यार मिलता है न समाज में, ऐसे में रोज की मेडिसिटी ने कई महिलाओं को जीवन दे करके उनके को एक नया उत्साह जगाया है और एक अचीवमेंट की है। तो आप भी रोज की मेडिसिटी जो दिग्घी में है, यहाँ IVF सेंटर, और खासकर बता दें यहाँ जो आधुनिक तरीके से इलाज हो रहा है वो एक खासकर महिलाओं के लिए यहाँ पर है, स्पेशलाइज है, और आप यहाँ पर विश्वास के साथ यहाँ बेस्ट जो सर्विस है वो पाते हैं। तो मिथिला मसूरी के कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, हमने डॉक्टर भरत प्रसाद जी का स्टेटमेंट आप गौर से सुनिए, किस तरह रोजी मेडिसिटी आधुनिक तरीका से विकसित हो रहा है यहाँ के स्थानीय मरीजों के लिए, ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े, इसकी पूरी ख्याल रखे जाते हैं। एक बार आप हॉस्पिटल के अंदर आएंगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी यहाँ के स्टाफ संभालते हैं, और इससे एक संतुष्टि भी मिलती है। देखते रहिए मिथिला मसूरी को YouTube में सब्सक्राइब करके और शेयर अवश्य करें, क्योंकि इससे हजारों लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। धन्यवाद। SM रेजेंसी AC Wi-Fi एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा, आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारे। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था, संपर्क करें रोज द मेडिसिटी दिग्घी वेस्ट मिसरटोला दरभंगा। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव, आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस पारस हॉस्पिटल, VIP रोड अलपट्टी दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर,
बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने, बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा, निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा।